हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवा बाय रिट्स। गाइस आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ DIY होम रेमेडी फेशियल एट होम। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, लॉकडाउन सीरीज चल रही है, तो उस टाइम पे हमारे सैलून वगैरह, पार्लर वगैरह सब कुछ बंद है और हमें फेस क्लीन करने की भी सबसे ज्यादा नीड रहती है समर्स के अंदर। तो इसलिए आज मैं आप सभी के साथ अपना पर्सनली DIY होम रेमेडी फेशियल एट होम शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सबने भी DIY फेशियल एट होम ट्राई किया था। और इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना ना भूलिए जिन्होंने भी ये DIY फेशियल ट्राई किया। तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डिवा बाय रिट्स। तो देना करते हुए चलिए, सबसे पहले आपके फेस को क्लीन करने के लिए आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड रहती है? सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लीन करने के लिए हमारा स्क्रब, क्रीम एंड हमारा मास्क। तो अभी हमारे पास, हम DIY फेशियल एट होम ट्राई कर रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा नीड रहती है हमारे स्क्रब की एंड हमारे मास्क की, क्योंकि फेशियल में ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो मैं आज आपके साथ वही शेयर करूंगी और ये समर्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है आपकी स्किन को ग्लोइंग करने के लिए, आपके फेस से ऑयल रिमूव करने के लिए। ये शुगर के मोटे मोटे दाने हैं जो मैंने लिए थे थोड़े से। नेक्स्ट आपको लेना है हाफ टमाटो स्लाइस अपने फेस को रब करने के लिए। टमाटो हमारे फेस के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है हमारे फेस को क्लीन करने के लिए, हमारी स्किन ग्लोइंग करने के लिए। एंड हमारे जिन्हें पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम होती है, गाइस आप डेली टमाटो रब कीजिए, आपके जो पिंपल्स वगैरह, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है ना, वो इससे दूर हो जाएगी। आपको कोई भी बाहर से प्रोडक्ट परचेज करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि ये टमाटो एक्ने के लिए बहुत ही ज्यादा, ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और शुगर हमारे स्किन में जो हमारे पोर्स होती हैं, इनविजिबल पोर्स होते हैं, उन्हें हाइड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। हमारी स्किन में जो ब्लड सेल्स है उन्हें ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो हमारे ब्लड सेल्स बैठे होते हैं, हमारी स्किन में डलनेस आ जाती है, उसे बढ़ाने के लिए शुगर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो शुगर और टमाटो इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे हमारे फेशियल एट होम में। तो आपको हाफ टमाटो स्लाइस लेनी है, उसमें शुगर डालनी है, वो स्मूथली आपके फेस को स्क्रब करना है। ये टमाटो आपकी स्किन को पिंक ग्लोइंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ये एक सीरम का भी वर्क करता है और समर्स के लिए टमाटो टैनिंग हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, टैनिंग के लिए, टैनिंग को दूर करने के लिए बहुत हेल्प करता है टमाटो। सो डेली आपको टमाटो रब करना चाहिए आपकी स्किन में। और ये आपको 15 मिनट्स रब करना है ओनली, अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। के बाद आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर की हेल्प से। तो इन कितनी ग्लो कर रही है और जो ब्लैकनेस थी स्किन पे वो काफी हद तक दूर हो गई है। तो अब स्क्रबिंग करने के बाद हमें क्या अप्लाई करना है? हमें अप्लाई करना है मास्क। तो मास्क के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? मास्क के लिए आपके पास कोई भी ब्रांड का टोनर होना चाहिए है। मेरे पास है मिनीसो का मॉइस्चराइजिंग टोनर, ये रोज वाटर टोनर है, तो मैं ये यूज़ करूँगी। आप लिप्टन की या कोई भी और ब्रांड की ग्रीन टी भी ले सकते हैं, डिप करके उसे वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, मेरे पास अल्प्स गुडनेस का ग्रीन टी टोनर भी है, तो मैं इन दोनों में से कोई एक ही टोनर यूज़ करूँगी। बट समर्स में इस पैक बनाने के लिए आप इन दोनों में से कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, समर्स चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा टैनिंग होती है स्किन में, फेस पे, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगी पर्पल का, ये ऑरेंज ऑयल, ऑरेंज इसेंशियल ऑयल है ये, मैंने पर्पल से बाय किया था, तो मैं ये यूज़ करूँगी। ब्रांड का चंदन यूज़ करना है आपको,
चंदन आपकी स्किन को ग्लोइंग करने के लिए, चंदन बहुत ही ज़्यादा आपके फेस को स्मूथ करने के लिए, आपकी टैनिंग हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। देन जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है कोई भी ब्रांड की कॉफ़ी, जिसको हम एज अ मास्क के लिए यूज़ करेंगे। वैसे कॉफ़ी हमारे जिस हमारी स्किन में सनबर्न हुआ होता है, हमारी स्किन में बहुत ही ज़्यादा ब्लैकनेस आ जाती है, हमें उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो चलिए बनाते हैं हमारा मास्क। मास्क के लिए सब इंग्रेडिएंट इसने मिक्स कर लिए हैं। देन आपको एक ब्रश लेना है, फेस मास्क ब्रश, और इसे मिक्स करके अप्लाई करना है। ये कुछ ऐसे कलर में मास्क बन गया। गाइस, जिनके पास ऑरेंज एसेंशियल ऑयल नहीं है वो एक चुटकी हल्दी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्क हमारा ऑरेंज एसेंशियल ऑयल करेगा वही वर्क हमारा हल्दी भी करेगा। तो मेरे पास ये था तो मैंने इसलिए ये यूज़ किया, बट अगर किसी के पास नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको एक चुटकी हल्दी ही लेनी है बस। एक लास्ट स्टेप रहता है, वो है हमारा आइस क्यूब रब करना, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उन्हें बढ़ाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो आपको सर्कुलर मोशन में इसे रब करना है। अगर आप सभी को ये डी आई वाई फेशियल एट होम वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी को ये डी आई वाई फेशियल एट होम कैसा लगा और कितना पसंद आया। और जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो गाइज़ फॉलो कर लीजिए, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी।